अरे मेरा खाना कहाँ है, मुझे पत्तल क्यों नहीं दिया? और देखिए मोदी जी और केजरीवाल जी तो खाकर देखिए कैसे खुश हो रही हैं। अखिलेश के आगे खाना है, नाना पाटेकर के आगे खाना है। योगी जी गैस बहुत महंगी हो रही है, इसलिए चूल्हे पे खाना बनाया था। जो खाना बनाता सबको दे दिया, अब खाना बनाने के लिए ईंधन भी नहीं है। बिजली का कनेक्शन तो पहले ही कट चुका है, इतना महंगा बिल कहाँ से भरें? माधुरी जी सस्ती बिजली फूंकनी है तो गांव में जाके रहो, शहर को छोड़ दो। गांव में रहोगी तो बिजली का आधा बिल देना पड़ेगा और वहां पे महंगे गैस से भी छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि वहां पे खाना बनाने के लिए लकड़ी और उपले आसानी से मिल जाते हैं। क्यों योगी जी, मैंने ठीक कहा ना? नाना भाई आपकी बातों में सच्चाई है, गांव की जिंदगी बहुत मस्त है। हमारा भी परिवार गांव में रहता है, हम भी गांव में ही रहते हैं। आपका परिवार गांव में रहता है इसलिए आपने गांव की बिजली को मंदा करके रखा है। योगी जी गांव देहात की बिजली के रेट आधे कर दिए हैं, अगर गैस सिलेंडर के रेट भी आधे कर दो तो मैं भी गांव में जाके रहने लगूंगा। अरे अखिलेश जी आप तो जानते ही हैं, ये राजनीति है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है। मछली पकड़ने के लिए कांटे में चारा तो लगाना ही पड़ता है। योगी जी जरा सोच समझ के बोलिए, ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, सब देख रहे हैं, और ये आप क्या बोल रहे हैं, कांटा चारा, ये क्या है सब? आप तो शाकाहारी हैं। हम शाकाहारी हैं तो क्या हुआ, मछली तो कोई भी पकड़ सकता है, खाने के लिए नहीं बेचने के लिए, क्यों मोदी जी? वो तो ठीक है लेकिन ये तुम गधा क्यों चला रहे हो, तुम्हारा गाड़ी किधर है? मम्मी तुमको तो पता है ना पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, तो मैंने सारा गाड़ी कबीर काबाड़ी को बेच करके गधा खरीद लिया। अब पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाएगा तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा तुम्हारा ससुराल वाला बोलेगा तुम गाड़ी पे क्यों नहीं आया, गधे पे क्यों आया, तब क्या बोलोगे? अरे मम्मी अब तुम्हारा बेटा पप्पू नहीं रहा है, पप्पन हो गया है, तुम देखती रहना, मैं उन ससुराल वालों की सारी गाड़ी बिकवा कर सालों को सबको गधे दिलवा दूंगा। लेकिन लोग तेरे को गधे पर देखेंगे तो तुझे पप्पू गधे वाला बोलने लगेंगे। पप्पू नहीं माई, पप्पन बोल, पप्पन गधे वाला।